तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, धान का बीज डालना है क्योंकि धान का बीज डालने का समय हो चुका है। यदि आप किसान हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बीज कैसे डाला जाएगा धान का, वो मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए मैं लाता रहूँगा। और बीज डालने का जो नियम है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो हम लोग कुड़ाई कर रहे हैं फावड़ा से, और इधर जो है पहले हम लोग कुड़ाई कर चुके हैं, जुताई हो चुकी थी बैलों से, तो मुझे लगा कि रकबा कम है इसलिए हम लोग फावड़ा से रकबा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीज जब हम इसमें डालेंगे तो ज़्यादा घना होगा तो पतला पतला पैदा होगा बीज, जब पौधा उसका पतला होगा तो धान भी अच्छा नहीं होगा। तो बढ़ाने के थोड़ा दूरी पर रहेगा बीज तो उसका पौधा जो है मोटा और तगड़ा तंदुरुस्त होगा, अरे तगड़ा तंदुरुस्त है तो धान की पैदावार भी बढ़िया होगा, पौधा बढ़िया से चलेगा और खाप बढ़िया करेगा। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये हमारा 6 महीने की फसल है, इसमें हमारा ख़राब ना होता है, फसल ख़राब ना हो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और सबसे पहले इसमें करना क्या है, खेत की जुताई जो है 1 हफ्ता पहले आप कर लीजिए क्योंकि धूप उसमें लगे, घास जितना है सारा सूख जाएगा धूप से, तो जब आप बीज डालेंगे तो उसमें घास नहीं पैदा होगा। ये जो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो घास यदि हो गया तो बीज का जो पौधा है वो अच्छा नहीं होगा। तो मैं आगे सारा मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है किसान भाइयों के लिए। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो किसानों के लिए है, इसमें बीज कैसे पड़ता है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, जो बीज आप खरीद के लाएँगे आप दुकान से उसको कैसे तैयार करना है फिर खेत में डालना है, मैं सारा विधि बताऊंगा आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आप समझ पाएंगे, मेरा वीडियो एकदम सटीक वीडियो बनता है, मैं खुद करके दिखाता हूं, मैं खुद रेडी करके दिखाता हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं 100 में 100% कह रहा हूं आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाऊँगा। तो वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आप समझ पाएंगे, तभी जो वैज्ञानिक विधि से आपकी बीज तैयार होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी बढ़िया। तो फिर आप कमेंट करके मुझे कहेंगे कि आपने गलत एडवाइस दिया, गलत राय दिया तो मेरा बीज तैयार नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप वीडियो लास्ट तक देखिए और आप लाभ उठाइए। खेत में पानी भर के अब सरावन लगाया जा रहा है, बीज डालने का यही तरीका है, सबसे पहले पानी भरिए उसके बाद सरावन लगाइए। देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, बैलों से सरावन लगाया जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो कूड़ा जितना है हम लोग बाहर फेंक रहे हैं, घास जो है जो पहले जुताई में जो घास सूखा हुआ था उस घास को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं ताकि वो दोबारा ज़िंदा ना हो घास और खेत जो है फ्रेश रहेगा, इसलिए घास को बाहर फेंक दीजिए उसके बाद इसमें बीज डालिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं खेत मेरा रेडी चुका है। ये वीडियो दोस्तों एक दिन में नहीं बना है, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है और इसमें वीडियो बनाने में कम से कम 4 दिन लगा है वीडियो बनाने में, क्योंकि ये जैसे जैसे काम हुआ है उसी हिसाब से इसका वीडियो बना है। तो खेत जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें सरावन भी लगा दिया गया है बैलों से, खेत बराबर है। ऐसे थोड़ा और पानी हम इसके अंदर बढ़ा रहे हैं क्योंकि पानी बढ़ा देंगे, पानी जब साफ हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, कम से कम 3 घंटे बाद ये पानी फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर बीज ला के डालना है। आप यदि बीज डालते हैं तो ऐसे ही करिए, 3 घंटा बाद इसमें बीज डालिए क्योंकि पानी पूरा साफ हो जाता है, ज़मीन के अंदर जो भी होता है मिट्टी धूल वो बैठ जाता है ज़मीन और ज़मीन पूरा लेवल हो जाता है, फिर बीज डालते हैं तो लेवल रहता है बीज, गड्ढा नहीं होता है और पूरा बैठ जाता है मिट्टी, जैसे कि अब यहाँ पे पैर आप रख दिए तो यहाँ गड्ढा हो गया, तो जब इंतज़ार करेंगे 2-3 घंटे तो ये मिट्टी जो है पूरा भर जाता है, जब बीज आप डालेंगे तो गड्ढे के अंदर नहीं जाएगा तो ऊपर ही रहेगा। तो ये इस बात का भी बहुत ध्यान देना है कि किसान भाई इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ये वीडियो किसान भाइयों के लिए बनाया गया है, ये वीडियो लास्ट तक आप देखिए तभी समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बीज कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको एक इस प्रकार की एक बाल्टी लीजिए या आपके घर में कोई वैसा बर्तन हो, उसको बीज को एक दिन पहले आप शाम को भिगाइए और सुबह उसको निकाल दीजिए बाल्टी से, अलग रख के एक ऐसा कट्टा लेके आप उसको 24 घंटा छोड़ दीजिए ताकि उसका बीज अंकुरित हो जाए और आप खेत में जब इसको डालें तो बढ़िया से इसकी जर्मिनेशन जो है वो बहुत बढ़िया होगा। मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, मैं रेडी करके रखा हूँ किस प्रकार का हुआ है,
तो देखिए ये जितनी धान का बीज है सारा अंकुरित हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा बीज, ये सारा अंकुरित हो चुका है। इसमें खतरा नहीं है कि ये बीज जमेगा नहीं, ये सारा बीज जम जाएगा, इसलिए इसको वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाता है। और ये बीज जो है नरेंद्र बीज है, इसका नाम नरेंद्र है। और मैंने एक हाईब्रिड लाया है 4464, वो ये बाल्टी में है। ये है, ये पतला धान है, खाने में बहुत ही बढ़िया है, अच्छी वैरायटी है इसकी। तो इसको कैसे तैयार करना है कि जब बीज जब डालना है तो इसको 24 घंटे नहीं डालना है पानी में, और इसको अंकुरित नहीं करना है, क्योंकि ये हाईब्रिड है। ये वैज्ञानिक विधि द्वारा वहाँ बताया जाता है कि इसको किस प्रकार से डालना है, यदि आप स्टोर पर लेने जाएंगे बीज को। तो ये बीज जो है खेत में डालने से पहले 3 घंटा पहले भिगो दीजिए बस, और इसको अंकुरित नहीं करना, इसको ऐसे ही खेत में छींट देना है, ताकि ये जो है इसका जर्मिनेशन ऐसे ही बढ़िया हो जाता है। और ये है तो इसका नहीं होता है, तो इसका ये वैज्ञानिक विधि यही है कि आप एक दिन भिगो दें और 24 घंटा कट्टे में रख दीजिए और इसका जर्मिनेशन हो जाए। तो अभी मैं खेत में इसको डालने ले जाऊंगा, तो मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब समय आ चुका है बीज डालने का, तो अब हम इसमें जा रहे हैं बीज डालने, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें बीज है, आप ऐसा बर्तन ले लीजिए, इसको हम डाली बोलते हैं गाँव में, तो इसी के सहारे ऐसे हम अपने हिसाब से छिड़काव करिए, मतलब बराबर बीज हर जगह गिरे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीज बहुत ही अच्छा है, इसका मैं पैकेट रखा हूँ। ये बीज 1 किलो 300 रुपये का आता है, ये हाईब्रिड में है। आप देखिए मोटे अक्षरों में लिखा है 6444 गोल्ड, यही ब्रांड आप लाइए, बहुत ही बढ़िया है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए ये 6444 गोल्ड ये ब्रांड है, ये हाईब्रिड का है, 300 रुपये किलो है, बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको पहले भी यूज कर चुका हूँ, एकड़ में कम से कम 35 क्विंटल की दर है इसमें, एक एकड़ में 35 क्विंटल। तो आप उसको बढ़िया से छिड़काव करिए बराबर खेत में, इस बात पे ध्यान देना है। दोस्तों मैं एक बार आपको छिड़काव करके दिखाता हूँ कैसे छिड़काव करना है, और बराबर गिरना चाहिए इसमें ध्यान देना है, और पैर भी आप किनारे रखें ताकि बीच में गड्ढा ना बने, इस बात पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी, नहीं तो गड्ढे में जाएगा बीज तो धस जाएगा, तो फिर होगा नहीं, फिर बेकार हो जाएगा उतना बीज। दोस्तों अब ये पूरा बीज मेरा खाली चुका, पूरा खेत में पड़ चुका है, काफ़ी गर्मी है, बहुत मेहनत लग रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ गर्मी से। तो अब इसमें करना क्या है, तो बीज पड़ चुका है, यदि पानी ज़्यादा है, यदि आज रात में पानी यदि ज़मीन नहीं सोख रहा है तो कल काट के पानी आप नीचे उतार दीजिए, दूसरे खेत में पानी कम कर दीजिए ताकि बीज सड़े ना। तो ये सुबह मॉर्निंग में पानी उतारिए, अभी नहीं, ये रात में सोख जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो पानी आप उतार सकते हैं यदि आपके खेत में ऐसा हो रहा है तो, यदि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस बात पे आप गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। सुबह ज़रूर जाइए खेत एक बार, और 4-5-6 दिन के बाद यदि खेत के हिसाब से आप उसमें सुपर थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, ताकि घास वगैरह नहीं जमने देगा और बढ़िया से चलेगा, हरा भरा रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आज का मेरा यहीं तक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब चलते हैं घर, आराम से नहाए धोएंगे अब।